नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, वीके विषय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिल्यूजनल डिसऑर्डर की। स्पेसिफिकली उसमें हम बात करेंगे कोटार्ड डिल्यूजन की, जो कि रिक्वेस्ट की थी हिमांशु राजी ने। कोटार्ड डिल्यूजन को समझने से पहले हमें डिल्यूजन के बारे में समझना जरूरी है। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स एंड फर्म बिलीफ, एक गलत सोच जो कि है पक्की, विच इज आउट कीपिंग विद कल्चरल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसका मतलब उसके घर वाले या समाज उस बात को नहीं मानते, फिर भी मरीज उस पर कायम रहता है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है मॉर्बिड ओरिजिन। मॉर्बिड ओरिजिन का मतलब है उसका कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी पेशेंट जो है उस पर कायम है। कोटार्ड डिल्यूजन जो है DSM-5 के हिसाब से एक सोमैटिक डिल्यूजन है। कोटार्ड डिल्यूजन में एग्जैक्टली इंग्लिश डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाते हैं तो अफेक्टेड पर्सन होल्ड्स ए डिल्यूजनल बिलीफ, जो बीमार मरीज है वो एक ऐसी बिलीफ को होल्ड करता है कि दे आर ऑलरेडी डेड और दे डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं थर्ड ईयर PG में था AIIMS में, तो एक पेशेंट था, उसको मॉर्निंग में मैंने कहा हेलो सर कैसे हैं आप, तो उसके जवाब में आई वॉज शॉक्ड। ही सेड डॉक्टर साहब मुझे मरे हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, जो आप देख रहे हैं ये तो मेरी लाश है। सो दैट इज व्हाट इज कोटार्ड डिल्यूजन। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।